हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड इट्स वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए बीम इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ऑप्शन ए इज 24.6 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी इज 0.12 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी इज 1.2 एंगस्ट्रॉम एंड ऑप्शन डी इज 6.3 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अपने पास की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट के रूप में अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, दे ब्रोगली तरंग धैर्य, ठीक है, दे ब्रोगली तरंग धैर्य को अपने वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अपने पास क्या हो जाएगी, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो चीज अपने को क्वेश्चन में दी गई है वो अपने देख लेते हैं। देखिए, अपने को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी, वो अपने को दी गई है कि कितनी है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अपने जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपने क्या करते हैं, देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, देखिए, 1.6 इंटू 10 की पावर अपने पास कितनी रहेगी, 17, और ये अपने पास आ जाएगी जूल में। ये अपने पास हो गई अब काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अपने को वेवलेंथ निकालनी है। अपने फॉर्मूला जानते हैं कि वेवलेंथ अपने पास क्या होती है, एच बटा पी होती है, और पी की जब अपने वैल्यू एनर्जी के फॉर्म में देखें तो वो अपने पास क्या होती है, रूट ऑफ 2 mK होती है। ठीक ठीक है, तो अब अपने इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने पास जो भी वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में पुट करके अपने लैम्डा निकाल लेते हैं। तो लैम्डा अपने पास, देखिए, एच अपने पास क्या है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो अपने यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और डिवाइड बाई अपने पास क्या है, देखिए, रूट के अंदर आएगी, तो रूट 2 इंटू m। मास अपने पास क्या है, देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू अपने पास काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस अपने पास कितनी थी, 17। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा इस प्रकार से। अब इस चीज को अपने, देखिए, सिंपली सोल्व कर लेते हैं। लैम्डा अपने पास क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, नीचे अपने पास क्या है, वैल्यू जो है वो अपने पास रूट के अंदर है। इस चीज को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 9.1 को अपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 18.2, और इस चीज को अपने मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो ये अपने पास आएगा, देखिए, 28.96। ठीक है, और जब अपने यहाँ पे देखिए, जो अपने पास 10 की पावर है वो अपने पास क्या है, 10 की पावर माइनस 31 है, माइनस में 17 है, तो ये अपने पास दोनों ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर माइनस अपने पास कितनी हो जाएगी, देखिए, 31, और माइनस की है तो दोनों ऐड होगी, तो माइनस की 48। तो इस चीज को अब अपने यहाँ पे देखिए वैल्यू है वो रख देते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गई, 28.96 इंटू 10 की पावर अपने पास रह गई -48। अब इस चीज को अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए, पहले अपने पास जो वैल्यू थी वो देख लेते हैं। लैम्डा अपने पास क्या आ गया, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई अपने पास क्या है, रूट के अंदर है, तो वैल्यू ऑफ रूट अपने पास क्या है, 28.96 इंटू 10 की पावर अपने पास क्या है, -48। ठीक है, तो अब देखिए सोल्व करते हैं। लैम्डा अपने पास आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और डिवाइड बाई, जब जब अपने देखिए 28.96 का रूट करेंगे, ये अपने पास होता है 5.38, और जब अपने पावर का रूट करते हैं तो अपने इसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो -24 आ जाएगा। तो अब इस चीज को सोल्व करें तो अपने पास लैम्डा क्या आ जाएगा, देखिए, 6.6 में जब अपने 5.38 का भाग देंगे तो ये अपने पास लगभग आएगा 1.22 के। तो 1.22 इंटू अपने पास, देखिए, 10 की पावर माइनस 34, जब 24 है वो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इंटू में प्लस का 24। ठीक है, तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं कि लैम्डा अपने पास क्या आ जाएगा, 1.22 इंटू 10 की पावर अपने पास माइनस के कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। तो अब अपने पास देखिए एंगस्ट्रॉन में अपने को आंसर दिया गया है। अपने जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन है वो किसके इक्वल रहता है, 1 एंगस्ट्रॉन है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉन, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल रहता है 1 एंगस्ट्रॉन। और अपना जो सॉल्यूशन है वो अपने को क्या मिला था, लैम्डा इज इक्वल टू 1.22 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 जो मीटर है, यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस 10 मीटर है, इस चीज को अपने क्या बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार अपने पास लैम्डा क्या हो जाएगा, 1.22
इस चीज को अपने एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे तो ये अपने पास एंगस्ट्रॉम, तो अपने पास लैम्डा आ जाएगा 1.22 एंगस्ट्रॉम, जो कि देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो अपने ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।